ध्यानी कौन, ये ध्यानी कौन है, बड़ा कंफ्यूजन इसको लेकर। ध्यानी कौन, ध्यानी मतलब जिसकी नजर लगातार अपने मन पर बनी हुई है। ये बहुत जबरदस्त बात है सर। गीता ने तो इसको इतनी बेहतरीन ढंग से समझाया है सर, गीता पढ़नी चाहिए सर। सबसे सरलतम ढंग से जिसने समझाया है वह है गीता। रथ क्या है सर, और अगर आप फ्रंट पेज देखें गीता का, बस वो पेज जिसको समझ में आ गया, पहला जो कवर पेज है गीता का, रथ ये मानव शरीर है सर, ह्यूमन बॉडी। लगाम क्या है सर, सांसें, ब्रीदिंग। हॉर्सेस क्या है सर, घोड़े। हॉर्सेस क्या है, इंद्रियां, सेंसेस। और घोड़े अगर बेलगाम हो जाएं तो जान ले ले सर, और गलत हाथ में लगाम ले ले तो गलत जगह पहुंचा दे। अर्जुन कौन है सर, ये आत्मा है सर, सोल। कृष्ण कौन है सर, ये ब्रह्म है, सुपर सोल। ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म। कभी गीता का कवर पेज देखो सर आप, रथ ह्यूमन बॉडी, लगाम ये सांसें आपकी, हॉर्स इंद्रियां, अर्जुन आत्मा, कृष्ण ब्रह्म परमात्मा। अब अगर ये लगाम, इन घोड़ों की लगाम जो बहुत ताकतवर हैं, अगर इनकी अर्जुन के हाथ में रहेगी तो अर्जुन डरा हुआ है, देखता है सामने ने खतरनाक खतरनाक दुश्मन जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। भीष्म कभी हारे ही नहीं, द्रोणाचार्य गुरु हैं, कृष्ण की ताकत, उसकी कर्ण, उसकी टैलेंट का कोई ठिकाना ही नहीं। अश्वत्थामा अमर है। तो यह हमारा मन है जो जब भी किसी बड़ी चीज के सामने पड़ता है। सर इस पे तो थोड़ी सी फिगर छोटी है, ये देखिए, इससे बड़ी सारी फिगर्स है मेरे पास। ये तो मैं गीता, इससे अच्छा गिफ्ट मैं मानता नहीं किसी को दिया जा सकता है। तो आप देखिए जो गीता होती है, तो देख रहे हैं छोटी सी जो नीचे बना हुआ है, इसीलिए जितनी भी गीताएं हैं सब पर ये कवर पेज पर ये इमेज बनी होती है सब पे। ये बड़ी, अब हम सब क्या हैं, अर्जुन है। अब अगर ये लगाम हमारे हाथों में है सर, भय होना स्वाभाविक है, फियर। इससे लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं तो कहते हैं सर 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सब अर्जुन है सर, हमारा डरना स्वाभाविक है सर, हमारा घबराना स्वाभाविक है। तो ध्यान क्या है, ध्यान है इस लगाम को, ये जो लगाम है सर, इस लगाम को कृष्ण के हाथ में पहुंचाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। और जब ये लगाम कृष्ण के हाथ में आ जाएगी, जो हमारी चेतना है जिसके बल पर मैं देख रहा हूं, जिसके बल पर मैं बोल रहा हूं, जिसके बल पर मैं सुन रहा हूं, असीम है सर, इनफाइनाइट। इसलिए अर्जुन रथ के पीछे खड़ा है, संचालित कौन कर रहा है, वो परब्रह्म। गीता किसी धर्म की किताब नहीं है, गीता पे कमेंट लिखा है कि मानव शास्त्र है, मानव विज्ञान। अब सेंसेस कौन है, गंधारी। मन कौन है, धृतराष्ट्र। और दोनों अंधे हैं सर, आप देखो फीचर दोनों का, एक ब्लाइंड है। क्या सर, क्या क्या पिक्टोरिकल फॉर्म में स्पिरिचुअलिज्म को मैनिफेस्ट किया गया, मन अंधा है। आप देखो एक गलती जिस पर हम पश्चाताप करते हैं, कसम खाते हैं, ऐसी कई सारी चीजें हमारे जीवन में होती जिन पर हम कसम खाते हैं अब नहीं करेंगे, 5 दिन बाद फिर तैयार कर देता है, और इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार कर देता है कि अरे कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया कर दी और ये वो ऐसे सब, पागल है, फिर कर लिए, फिर बड़ी ग्लानी पैदा हुई,
कुछ लोगों का जीवन सिर्फ ग्लानी करने में ही बीत जाता है और उनको एक समय पर आकर यह एहसास होता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। मन अंधा है सर, कैसे पता? ये एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। जिसकी आंखें होंगी वो एक बार जिस गड्ढे में गिर जाएगा वो दोबारा उस गड्ढे में कभी नहीं जाएगा। लेकिन ये अंधा है, ये अंधा है। और जिसको ये कंट्रोल करता है, इसकी वाइफ, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, ये भी अंधी। और इन दोनों अंधों के द्वारा जब जिंदगी चलती है, इसलिए आप देखो जितनी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। खाने के लिए आपको चिकन अच्छा लगता है, कोई मोटिवेशन चाहिए कि हाँ हमको कोई मोटिवेट कर देता हम चिकन खा लेते? ना, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों अंधों को मजा आता है। खाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। जहां इनको रस मिलता है जिन चीजों में, दूसरी चीज है कॉन्शियस, चेतना। इस्लाम रूह कहता है, क्रिश्चियनिटी सोल कहती है, हिंदू आत्मा कहते हैं। अब पढ़ना जो है इसका संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है, पढ़ाई का संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। इसलिए पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन। गौर करिएगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, जितनी चीजें इंद्रिय से जुड़ी हुई हैं, और इंद्रिय के बाद मन, जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं वहां मोटिवेशन नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं। दस दस घंटा, बीस बीस घंटा बैठे बैठे ही है, शायरी लिख दी, सूरज से दुआ मांगते हैं कि सूरज आज मत डूबना, काश ये दिन खत्म ही ना हो। लेकिन ध्यान करने के लिए मोटिवेशन चाहिए।